वरिष्ठ आयुर्वेदिक वैद्य टेक वल्लभ ने जादूगर शिवम को किया सम्मानित। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ प्रियंका रावत। रुड़की के वरिष्ठ आयुर्वेदिक वैद्य टेक वल्लभ ने जादूगर शिवम के शो का फीता काटकर किया शुभारंभ। इस दौरान वैद्य टेक वल्लभ ने गुलदस्ता भेंट कर व शॉल उड़ाकर जादूगर शिवम को किया सम्मानित। वैद्य टेक वल्लभ ने बताया कि जादू सदियों पुरानी कला है जिससे हमारा मनोरंजन होता है। रुड़की में जादूगर शिवम भी अपनी जादूगरी की कला दिखाकर रुड़की वासियों का मनोरंजन कर वाहवाही लूट रहे हैं। सबसे पहली खुशी तो ये है कि जादू एक बहुत अच्छी कला है। बहुत सारी देश की कलाओं में से ये भारतीय पुरानी सांस्कृतिक कला है। इसको ये मनोरंजन की कला है जो प्राचीन समय से मनोरंजन हमारा करती आ रही है। और ये ऐसा एक अच्छा मनोरंजन है कि और कोई भी मनोरंजन करते हैं, कोई सिनेमा देखते हैं, कुछ करते हैं, तो उसमें इतना भावुकता नहीं होता। इसमें बाकी आंखें की आंखें सारे गेम्स पर लगी रहती हैं, तो उसमें हम पूरे शरीर से हृदय से हम इसमें खो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी कला है। तो मैं उनका बहुत बहुत रुड़की नगर में स्वागत करता हूँ, आभारी हूँ कि रुड़की शहर को भी इन्होंने चुना है और रुड़की की जनता ने ये अपना मनोरंजन किया है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज फीता कट कला से क्या कहना चाहेंगे? मुख्य अतिथि तौर पर आज हमें मुख्य अतिथि तौर पर बुलाया गया, तो ये हमारे लिए और भी सम्मान की बात है कि नगर में हमारा भी कहीं नाम और उन्होंने बुलाया हमको, तो ये हमारे इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है कि बाहर से अगर कोई चल करके यहाँ दिखा रहा है और हमको मुख्य अतिथि रूप में सम्मान दे रहा है। तो रुड़कीवासियों से क्या अपील करेंगे? जैसे कि अभी ये शो चालू है, चल रहा है, तो जिन्होंने भी नहीं देखा है, मैं उन सभी अपने मित्रों से प्रार्थना करूँगा, देवी सज्जनों से प्रार्थना करूँगा कि एक बार अवश्य देखें। देख करके आपको लगेगा कि हाँ, ये हमने एक अच्छा समय पास किया, जिसमें पूर्णतया हमारा मनोरंजन किया। ये बहुत अद्भुत कला है, बहुत अच्छी कला है, बहुत श्रेष्ठ कला है। प्राइम न्यूज 24 के लिए नसीम मलिक की रिपोर्ट।